सभा के मध्य व्यास नंदन से सुखदेव जी महाराज आए। सुखदेव जी को देखते ही समस्त ऋषिगण खड़े हो गए। परीक्षित जी समझ गए कि आगंतुक कोई न कोई विशेष जरूर है, क्योंकि ब्रह्मांड के सभी ऋषि खड़े हो गए, कोई सामान्य तो हो नहीं सकता। परीक्षित जी भी खड़े हो गए। सामने सिंहासन रखा था, सुखदेव जी सीधे आकर विराजमान हो गए। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और बोले, हे सुखदेव जी, आप कृपा करके हमारे ऊपर आए हैं। आप जैसे जो संत होते हैं, उनके दर्शन मात्र से अनंत जन्मों के अग्राशि का नाश हो जाता है। आप कृपा करके यदि किसी के घर में चले जाएं, तो उसका घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। फिर आप जैसे संतों का यदि हमें चरणामृत प्राप्त हो जाए, आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त हो जाए, पाद स्पर्श प्राप्त हो जाए, तो भाग्य का कहना ये क्या। गुरुदेव, मेरे हृदय में एक संशय है, एक प्रश्न है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, आप कृपा पूर्वक ये बताइए कि जो म्रियमाण पुरुष है उसे क्या करना चाहिए, कौन सा साधन करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका तप करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया। इसी के साथ ही प्रथम स्कंध का विश्राम होता है।